इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम है, अब तो यह बात आंध वक्त भी मानने लगे हैं, क्योंकि अब इनके लिए भी रोज रोटी का सवाल है। धर्म जात पात का नशा दरअसल पेट की भूख से बढ़कर नहीं होता। यकीनन हर एक को अपने मजहब पर चलने का हक है, और यह हक हमें हमारे संविधान ने दिया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे दस्तूर ने दिया है। पर जब से मोदी हुकूमत आई है, मजहब गली मोहल्लों में गश्त करने लगा और इसी को इख्तदार तक पहुंचाने का जरिया बनाया जाने लगा। अगर आज टीवी डिबेट को हर मामले को मजहबी रंग दिया जाता है, अब तो इस बात से अक्सर लोग उग चुके हैं। कांग्रेस की तवील हुकूमत को इख्तदार की कुर्सी से हटाकर अगर मोदी हुकूमत को दो बार इसलिए लाया गया कि ताकि गरीबों किसानों मजदूरों का कुछ भला हो सके, आज आवाम यह समझने लगी है कि कुछ अंधभक्त भी समझने पर मजबूर हुए हैं कि धर्म की आड़ में आवाम को तवील अरसे तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा किसी न किसी जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अब वजीर आजम की मकबूलियत भी घटने लगी है। पिछले 5 साल तो मोदी लहर पर ही इंतखाबात जीते हुए थे। विदेशी अखबारों ने भी मोदी को हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला प्रधानमंत्री कहा। विदेशी अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाकाम प्रधानमंत्री तक कहा। भारत की मीडिया पर और विदेश यात्राओं पर मोदी ने तकरीबन 66 अरब रुपए खर्च किए हैं। विदेशों से कोई फैक्ट्री कोई बड़ी कंपनियों ने अब तक निवेश नहीं किया है, और निवेश इसलिए भी नहीं किया है कि भारत में सबसे ज्यादा मजहबी तशद्दुद फैलाया जाता है। ऐसा अमेरिकन रिपोर्ट का कहना है। जिस मुल्क में अशांति हो वहां विदेशी निवेश क्यों कर किया जाए। गोदी मीडिया वजीर आजम को अवतार साबित करने की कोशिश में लगी हुई है। जब यूट्यूब पर प्रधानमंत्री मन की बात को लाइक के मुकाबले में डिसलाइक किया गया तो मोदी भक्त खौफ ज्यादा हुए। क्या आखिर फिर से मकबूलियत में कैसे इजाफा किया जाए, यह सवाल उनके सामने आ खड़ा हो। वैसे तो फेसबुक व्हाट्सएप पर भाजपा आईटी सेल का कब्जा है। हजारों भक्तों को तनख्वाह देकर फर्जी अकाउंट्स के जरिए नमो नमो करने लगाया जाता है। पर कहते हैं झूठ की उम्र बहुत कम होती है। वक्ती तौर पर तो कामयाब नजर आता है, लेकिन हमेशा के लिए झूठ कभी कामयाब नहीं हो सकता। और वैसे भी कुदरत का निजाम है कि जिस हुकूमत में गरीब मजदूर और जमीन से अनाज उगाकर खुद किसान भूख से मरने लगे, तो समझ लेना कि उस हुकूमत का जवाल आ चुका है। और यूं ही हो रहा है कि अब वजीर आजम को मजहबी चेहरा देने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी राम मंदिर फैसले के वक्त राम को छोटा कर मोदी को बड़ा बनाया गया। सवाल यही पूछना चाहते हैं कि अगर कोई और अकलियती समाज का शख्स अगर ऐसी तस्वीर बनाता तो क्या आज जिस तरह सभी खामोश है उस तरह खामोश रहते, या जमीन आसमान एक कर देते और उसे देशद्रोही बनाया जाता। आज एक बार फिर इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को शिवाजी महाराज की शक्ल में पेश करने की कोशिश कुछ लोगों ने की है, और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शाया किया हुआ है, जिससे मराठा समाज के जज्बात को मजरू करने की कोशिश की गई, ऐसा मराठी तंजीमों का कहना है। वाजह रहे यह पोस्ट अमित शाह फैंस फेसबुक पर अपलोड की हुई है। यह भी गौर करने की बात है कि शिवसेना भाजपा सियासी इख्तलाफा जारी है। शिवसेना बालसाहेब ठाकरे शिवाजी महाराज इन्होंने जज्बाती रिश्ता है। मराठी समाज में शिवाजी महाराज के बराबर किसी को भी जगह नहीं दी जा सकती। लिहाजा अमित शाह फैंस फेसबुक पेज पर इस तरह की तस्वीर का शाया होना मराठी समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा मराठी तंजीमों का कहना। लिहाजा बेलगाम युवा समिति की जानिब से एहतजाज किया गया और मुतालबा भी पेश किया गया कि शिवाजी महाराज की तस्वीर को इस तरह एडिट करना एक तरह से तौहीन आमोज है। यह भी याद दिलाना जरूरी है कि जनवरी 13 जनवरी में वजीर आजम मोदी को आज के शिवाजी महाराज के नाम से किताब शाया की गई थी, जिस पर भी एतराज किया गया था। लिहाजा इस किताब पर बाद में पाबंदी लगा दी गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना ने नरेंद्र मोदी को शिवाजी महाराज से मुआजना करना गोया शिवाजी महाराज की तौहीन है। सखा संभाजी ब्रिगेड ने तो रियासत में आंदोलन किया। एहतजाज के आखिर में मराठा समाज की बढ़ती मुखालफत ने किताब पर पाबंदी लगाने पर मजबूर कर दिया। शिवसेना के संजय राउत ने किताब के मुसन्नी पहले लेखक जय भगवान गोयल के बारे में कहा कि जिन्होंने भी वजीर आजम का मुआजना शिवाजी महाराज से किया है, ये वही लोग हैं। कभी मराठियों को और महाराष्ट्र के बारे में
तो ही नामोज अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, मराठियों की हिमायत में आने की कोशिश कर रहे, लिहाजा कोई भी शख्स शिवाजी महाराज के बराबर नहीं हो सकता, ऐसा भी उन्होंने कहा। आज एक बार फिर अमित शाह फैंस पेज पर प्रधानमंत्री मोदी को शिवाजी महाराज की शक्ल में दिखाने की हिमायत की गई है, जिसे मराठी समाज में गम गुस्सा देखा जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह महान बनाने की कोशिश की जा रही है? कहा यह भी जा रहा है कि चेहरे बदलने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि समाज के लिए बेहतर कामों को अंजाम देने से अवाम के दिलों में जगह बनाई जा सकती, और तब जाकर कोई सदियों के लिए याद रखा जाता। यकीनन मोदी महान बन सकते हैं, पर तब जब देश में फिर से भाईचारगी, एकता, खुशहाली, रोजगार, लहलहाती फसलों से मुस्कुराता किसान, गरीबों के घरों में उजाला, हर हाथ को काम मिले, आज जब यूट्यूब में गिरती मकबूलियत देखकर भक्तों की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा है, और प्रधानमंत्री की गिरती मकबूलियत को किसी भी महान हस्ती से मुआवजा करने से वापिस नहीं लौटेगी, क्योंकि देश हर लिहाज से मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इत्यादि देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।